एक वक्त पूजा कर रहा था तो पूजा में नींबू के माध्यम से पूजा करना उस वक्त उसको भारी पड़ गया जब वह नींबू को निगल रहा था जो गले में अटक गया। फिर क्या परिजन घबरा गए, वजह थी नींबू न अंदर जा रहा था न बाहर आ रहा था। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया से जुड़ा है, जहां आनन फानन में उसके परिजन उसे मकरोनिया की निजी हॉस्पिटल राय हॉस्पिटल ले गए, जहां 6 सदस्यीय टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसके हलक से अटका नींबू बाहर निकाला। कहते हैं नींबू तंत्र मंत्र की क्रियाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देश में जादू टोना करने के लिए भी नींबू को पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल यह 25 साल का युवक नींबू से धार्मिक पूजा कर रहा था, यही नींबू उसके हलक में अटक गया और जाकर आहार नली में फंस गया, जिसे डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। वैसे भी बाजार में नींबू 10 रुपए का एक मिल रहा है। हम तो लोगों को सलाह देंगे कि नींबू निचोड़ कर खाएं। कभी कभी नींबू सीधा सीधा खाना और पूरा पूरा खाना नुकसानदायी भी हो सकता है। रात को करीब 11-12 बजे के बीच में एक 25 वर्ष का युवक हमारे पास आया, जो किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, और उसने पूरा नींबू जो है वो निगल रहा था या कुछ कर रहा था तो वो फंस गया था। तो उसके कारण से मरीज की जो सांस की नली है उस पर प्रेशर आ रहा था और मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मरीज बोल नहीं पा रहा था और काफ़ी डिस्कम्फर्ट था उसको। तो डॉक्टर संतोष राय सर और मैंने मिलके तथा हमारी पूरी टीम ने मिलके पेशेंट को तत्काल ओटी में लिया और उसको पूरा बेहोश करके और करीब 1 घंटे मेहनत करके हमने नींबू को बाहर निकाला है। और अब पेशेंट स्वस्थ है और सांस भी अच्छे से ले पा रहा है और बात भी कर रहा है, और शीघ्र ही हम उसको डिस्चार्ज करेंगे। धन्यवाद। वसीम कुरैशी के साथ नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।